सीकर के धोत थाना इलाके के नगवा गांव से अपहरण हुई दुल्हन का मामला अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजपूत समाज के सैकड़ों लोग उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा और राष्ट्रीय करणी सेना के संयोजक सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के नेतृत्व में राजपूत छात्रावास के सामने पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से दी गई 3 दिन की समयावधि के बीत जाने पर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर चढ़ाई कर दी है और इसी बीच भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है और फिलहाल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प लगातार जारी है। और इसी बीच उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा सड़क पर लेट गए हैं और आमरण अनशन पर भी लगातार बैठे हुए हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता आनंद फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी आनंद, बताएं क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास इस मामले में? लवीना, मैं आपको बताना चाहूंगा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में विधायक राजेंद्र गुड्डा ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद अब मामला शांत हो गया है। वहीं पुलिस जाब्ता वहां तैनात है और अब आवागमन भी शुरू हो गया है और आमरण अनशन पर बैठने पर अब आवागमन जो खोल दिया गया है और जो भारी मात्रा में जाता था उसे हटा लिया गया है। आनंद, आरोपियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लवीना, मैं आपको बताना चाहूंगा 4 आरोपियों को पिछले 2 दिन पूर्व ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो जिन्होंने खाली अगवा करने में उनकी मदद की थी। अभी तक जो दुल्हन थी वो बरामद नहीं हो पाई है और नई मुख्य आरोपी जो उसका अपहरण करके ले गया है उसको पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई है। तो इन दोनों ही मांगों को लेकर राजपूत समाज आंदोलनरत है। आनंद, दुल्हन को बरामद करने के लिए क्या कुछ कड़े प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने कई टीमें गठित करके न केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रांतों में भी टीमों को भेजा गया है और जहां जहां इनकी रिश्तेदारियां हैं वहां वहां दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है, उसमें उनको सुराग नहीं लग पाया, जिसके चलते राजपूत समाज में गहरा आक्रोश है कि पुलिस इतने दिन बीत जाने के बाद भी दुल्हन को बरामद नहीं कर पाई है और नहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दे, सीकर में हुए दुल्हन के अपहरण का मामला लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और पुलिस प्रशासन भी अब दुल्हन को बरामद करने के लिए लगातार कड़े प्रयास कर रही है।